हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सफीर रहमान और आप लोग देख रहे हैं आइए जानते हैं चैनल। आइए जानते हैं चैनल में आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हर दिन आप लोगों के लिए नए नए अपडेट लाता रहता हूँ और आज भी मैं आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आई हूँ। अगर आप DLED के डिग्री के लिए NEOS में एडमिशन कर चुके हैं तो आप इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें ताकि आप लोगों के जो प्यार है वो प्यार हमारे साथ बने रहे और हो सके तो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आज के लेटेस्ट अपडेट पर नज़र डालें तो ये खबर निकल कर आई है बिहार के रोहतास से। अगर हम डिस्क्रिप्शन में देखें, पहले हेडलाइन देख लेते हैं। हेडलाइन में जो बताई गई है, बिना प्रशिक्षण लिए ही लौटे DLED की प्रशिक्षार्थी। तो जिन जिन विद्यार्थी और टीचर्स DLED के डिग्री के लिए NEOS में एडमिशन कर चुके हैं वो शिक्षार्थी, बिहार के जो शिक्षार्थी थे वो बिहार के शिक्षार्थी कल स्टडी सेंटर पर ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे और वहाँ से बिना ट्रेनिंग लिए ही वापस लौटे थे। तो क्या है इसके इंटरनल फैक्ट, क्या है हम देख लेते हैं डिटेल्स में। अगर हम डिटेल्स में देखें तो यहाँ पर बताई गई है, प्रखंड मुख्यालय में NIOS द्वारा बनाए गए केंद्र से शनिवार को DLED प्रशिक्षण को ले भाग लेने आई प्रतिभागी बिना प्रशिक्षण लिए ही वापस लौटने को मजबूर हुए। प्रशिक्षण के पहले दिन ही बेरंग लौटने से इनके चेहरे पर काफ़ी मायूसी झलक रही थी। कई शिक्षकों ने बताया कि आज का पूरा दिन बेकार गया, कहीं ये ट्रेनिंग परेशानी का सबब ना बनकर रह जाए। हम सभी प्रशिक्षार्थी कहीं ना कहीं गैर सरकारी विद्यालय के शिक्षक के पद पर है। इनके माने तो अभी तो प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त लोगों को ही ट्रेनिंग नहीं मिली। तो जो शिक्षक बिहार के हैं, बिहार के जो शिक्षक जो रोहतास से है, रोहतास के शिक्षकों ने कल स्टडी सेंटर पर क्लास करने के लिए गए थे और वहाँ पर बिना क्लास किए बिना ट्रेनिंग लिए वापस लौटे थे। तो इसका इंटरनल फैक्ट ये हुआ कि जो शिक्षक नियुक्त किए गए थे अप्रशिक्षित शिक्षकों को ट्रेनिंग लेने के लिए, अप्रशिक्षित शिक्षकों को किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाए इसके लिए जो शिक्षक नियुक्त किए गए थे वो शिक्षक खुद प्रशिक्षण नहीं है। तो अगर खुद प्रशिक्षण नहीं होंगे तो बाकी शिक्षकों को कैसे प्रशिक्षण करेंगे। तो इस बात को लेकर शायद वहाँ पर कुछ हुआ था और बातचीत होने के बाद जो अप्रशिक्षित शिक्षकों को वापस लौटा दिए गए। अगर बाकी खबर में नज़र डालें, इस संबंध में BRP राजनाथ राम ने बताया कि इसके लिए प्रतिनियुक्त शिक्षकों को आगामी 5 फरवरी से खुद प्रशिक्षण लेंगे, इसके बाद ही ये प्रशिक्षण देंगे। तो राम ने बताई है कि जो शिक्षकों को अभी तक प्रशिक्षण नहीं मिली है, जिन शिक्षकों को नियुक्त किए गए हैं कि बाकी अप्रशिक्षित शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए, उन शिक्षकों को 5 तारीख को रामनाथ राम जी ने खुद जाकर ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद उन शिक्षकों को फिर से नियुक्त करेंगे कि अप्रशिक्षित शिक्षकों की ट्रेनिंग ली जाए। अगले शनिवार से इनका प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। इसके लिए प्रखंड मुख्यालय गेरारी के रामरूप उच्च विद्यालय में प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, जिसका समन्वयक प्रधानाध्यापक विकास कुमार मौर्य को नियुक्त किया गया है। सरकार के निर्देशानुसार आप निजी शिक्षण स्थानों में कार्यरत शिक्षाकर्मी को ट्रेन होना अनिवार्य है। इसके लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संगठन NIOS से प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ का ये आज का जो ये लेटेस्ट अपडेट था मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ब्लॉक में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही मैं आप लोगों के लिए और बाकी का जो लेटेस्ट अपडेट है वो लेटेस्ट अपडेट अगर मुझे मिल पाती है मैं तुरंत आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, आगे भी लाता रहूँगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलें और साथ ही हो सके तो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, इस तरह की हर एक छोटी बड़ी न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।